मुझे तो सही में यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी गाड़ी। थैंक्स ऑल गाइस यार, थैंक्स। सागर भाई आप क्या बोलते हो, कैसी लगी गाड़ी आपको? गाड़ी मैं मुझे पता ही नहीं चल रहा है मेरी गाड़ी है। लिटरली आप वीडियो देखो पूरा, आपको गाड़ी का कंडीशन दिखेगा, बट मेरी जान नहीं है आज। मेरी जान को मैंने आज वापस रिस्टोर किया है। हे गाइस, वेलकम टू आर चैनल ब्रोटोमोटिव। मैं हूं आपका होस्ट परीक्षित। और वैसे तो हमारे पास बहुत गाड़ियां रिस्टोरेशन के लिए आती है, पर आज हम रिस्टोर करने वाले हैं इस 2006 मॉडल हुंडई एसेंट को। कस्टमर अपनी गाड़ी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और वो चाहते थे ये गाड़ी वो आगे भी चलाएं और रखें, इसलिए वो गाड़ी हमारे पास लेके आए ताकि हम इस गाड़ी को अच्छे से बना सके। इस गाड़ी पर डेंटिंग का बहुत ही ज़्यादा काम था और ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था, पर हमने पूरी कोशिश की है कि इसे हम जस्टिफाइड तरीके से अच्छे से रेडी कर सके। वैसे तो आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा चली हुई बहुत गाड़ियाँ देखी होंगी, पर इस गाड़ी की खासियत यह है कि ये 5,63,000 किलोमीटर्स रन हो चुकी है और उसके बाद भी इट ड्राइव्स लाइक अ चार्म। वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। हमने ये वीडियो बहुत डिटेल में बनाया है और मैं उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बुडमो। बुडमो आर दी ऑनलाइन एक्सपर्ट्स व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स। आप budmo.com पर जाकर अपनी गाड़ी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स घर बैठे खरीद सकते हैं। बुडमो हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटलॉग्स फॉर स्पेयर पार्ट्स, चाहे आपके पास एक छोटी गाड़ी हो या फिर एक लग्जरी गाड़ी हो। बुडमो अपने सप्लाई किए हुए स्पेयर पार्ट्स पर 10 डे की अश्योर्ड रिटर्न पॉलिसी भी ऑफर करता है। यू कैन चेक आउट देयर वेबसाइट एंड ऑल्सो डाउनलोड देयर ऐप, इट्स अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड एंड iOS बोथ। क्योंकि ये गाड़ी 15 साल पुरानी है, ये जायज़ है कि एज के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रस्टिंग हो ही जाता है। इस गाड़ी के केस में दोनों रनिंग बोर्ड्स कम्प्लीटली रस्ट हो चुके थे, तो हमने यहाँ पर रनिंग बोर्ड रिप्लेस करने का डिसीजन लिया है। बाकी के कुछ पैनल्स पर भी रस्टिंग के इश्यूज थे, पैनल थ्रू एंड थ्रू सड़ चुके थे, पर उन पैनल्स पर हमने पैचवर्क का काम किया है। अभी हम रनिंग बोर्ड्स को खोल रहे हैं और आप देख सकेंगे वीडियो में कि खोलने के बाद नीचे रनिंग बोर्ड कितना ज़्यादा सड़ चुका है। बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसी गाड़ियाँ लेके आते हैं जो बहुत हैवीली रस्टेड है। आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि गाड़ी पर जब रस्टिंग के इश्यूज होते हैं तो प्रोजेक्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इट इज़ नॉट चीप टू रिपेयर और रिप्लेस द पैनल। तो अगर आप भी अपनी पुरानी गाड़ी रिस्टोर कराना चाहते हैं जिस पर मेजर रस्टिंग इशूज़ हैं, तो यू विल हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर अ वेरी हाई बजट, क्योंकि जो भी पैनल आप रिप्लेस कर रहे हैं या इवन अगर आप गाड़ी पर पैचवर्क कर रहे हैं तो वो रिपेयर्स महंगे ही पड़ने वाले हैं। ठीक ढंग से अगर पैचवर्क किया जाएगा या वेल्ड करके पैनल अगर रिप्लेस किया जाएगा तो पैनल की लाइफ उतनी ही होती है जितनी ओरिजिनल पैनल की होती है, उस केस में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले हैं। बट ये सारे रिपेयर्स करना यूजुअली बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि हमें बहुत दिन टाइम देना पड़ता है ये सारे रिपेयर्स करने के लिए। ये जो आप टूल देख रहे हैं इसे एयर कटर बोलते हैं, और इसे एयर कटर इसलिए बोलते हैं कि ये न्यूमैटिक लाइन पे चलता है, एयर के थ्रू पावर्ड होता है।
मेटल को ये बहुत ही अच्छे तरीके से कट करता है, बस इसका एक ही डाउनसाइड है कि ये बहुत ज्यादा आवाज करता है। अब हम रनिंग बोर्ड को टेम्पररी फिक्स करके उसका पोजिशनिंग चेक कर रहे हैं, और एक बार जब पोजिशनिंग फाइनल हो जाएगा तो वहां पर हम मिग वेल्डिंग से रनिंग बोर्ड को वेल्ड कर देंगे। रनिंग बोर्ड का वेल्डिंग हमने कंप्लीट कर लिया है, पर आप नोटिस करेंगे कि जहां पर वेल्ड हुआ है वहां पर काफी ज्यादा एंडुलेशंस आ चुके हैं। हम ग्राइंडर का यूज करके सारे एंडुलेशंस खत्म कर देंगे और पैनल को एकदम फ्लैट कर देंगे। आपने वीडियो के शुरुआत में नोटिस किया होगा कि गाड़ी के डिक्की का और दरवाजे का कलर ब्लैक है। ये इसलिए है क्योंकि ये पैनल्स कस्टमर ने ऑलरेडी रिप्लेस करवा लिए थे, पर कभी कभी नए पैनल्स पर भी डेंट होता है, इसलिए हमने जो छोटे मोटे डेंट्स थे वो रिपेयर कर दिए। किसी भी गाड़ी पर जब हम डेंटिंग करते हैं तो सबसे टेक्निकली डिफिकल्ट डेंट बनाना होता है रूफ। इस गाड़ी पर भी ऐसा ही हुआ, छत की डेंटिंग करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। साथ ही साथ छत में एक वेविनेस क्रिएट हो जाता है, एज के साथ पैनल जो है वो कंप्रेस होने लगता है, दबने लगता है, तो गाड़ी के अंदर की तरफ से सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देख रहे हैं कि हम बोनट के अंदर साइड पर सीलेंट एप्लीकेशन कर रहे हैं, वैसे ही छत के इंटरनल साइड्स पर भी और बॉनेट के अंदर भी सीलेंट या एक्सपेंशन फोम से पैकिंग करना पड़ता है, ताकि अगर ऊपर से इन पैनल्स पर हाथ लगे तो पैनल्स कंप्रेस ना करे और वो अपना स्ट्रक्चर रिटेन कर सके। डेंटिंग का सारा काम अब कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए अब गाड़ी लेके चलते हैं हमारे पेंटिंग सेक्शन में और शुरू करते हैं गाड़ी का बेसवर्क का काम। आप नोटिस करेंगे कि जो पैनल्स बेयर मेटल है जहां पर हमने डेंटिंग का काम किया है वहां पर मेटल के ऊपर एक रेडनेस आ चुकी है, और ऐसा यूजुअली तब होता है जब हम पैनल को थोड़ी देर खुला छोड़ दें। दो तीन दिन में यूजुअली पैनल में ऐसी रेडनेस आ जाती है, तो पुट्टी फिलिंग का काम करने से पहले या फिर उसको कवर करने से पहले हमें ये सारा रेडनेस पैनल में से हटाना है, और अगर हवा में मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा तभी ये पैनल पर रेडनेस जल्दी शुरू हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी पुट्टी भरी जाए या पैनल को कवर किया जाए तो ये सारी रेडनेस पैनल के ऊपर से हटा देनी चाहिए। बारिश में चाय पीने का थोड़ा। ये अपने आमिर पेंटर, ये सामने जुआ पेंटर खड़े हैं। ये अपने दीपक पेंटर, मेन सीनियर पेंटर रोटो मोटो के। ये अपने आमिर पेंटर जापान से आए हुए हैं।
जापान में 20 साल काम किया, उम्र 80 साल है इनकी। ये मेरे सीनियर उस्ताद नासिर भाई। हमने अपने वीडियोस में पहले भी बताया है कि गाड़ी पर डेंटिंग का काम अच्छे से होना चाहिए और बॉडी फिलर एंड पुट्टी का यूज़ कम से कम होना चाहिए। और जब हम ऐसे पुरानी गाड़ियाँ रिस्टोर करते हैं तो डेंटिंग एक लिमिटेशन हो जाती है, आप पैनल को एक लिमिट तक खींच सकते हैं और शेप दे सकते हैं। उसके बाद मजॉरिटी काम बॉडी फिलर एंड पुट्टी में ही किया जाता है। लॉन्ग टर्म इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर बॉडी फिलर एंड पुट्टी का यूज़ अच्छे से करके हम ये इंश्योर करेंगे कि पैनल पर वेवीनेस ना हो और गाड़ी जब फाइनली तैयार हो तो गाड़ी का शेप एकदम ओरिजिनल जैसा दिखे। ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया है पर बहुत लोगों को शायद इसमें डाउट है। आप नोटिस करेंगे कि हम गाड़ी के नीचे साइड में मास्किंग करके अंडर बॉडी कोटिंग मार रहे हैं। ये हम इसलिए मार रहे हैं कि आप जब बहुत सारी गाड़ियाँ देखेंगे तो आपने देखा होगा कि रनिंग बोर्ड पे एक टेक्स्चर्ड फिनिश रहता है। ये OEM फिनिश देने के लिए हम रनिंग बोर्ड पर अंडर बॉडी कोटिंग का यूज़ कर रहे हैं ताकि ओरिजिनल जैसा टेक्स्चर वहाँ पर मिल सके।
गाड़ी का बॉडी पेंटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए अब शुरू करते हैं गाड़ी के अलॉय व्हील रिस्टोरेशन का प्रोसेस। इस गाड़ी में 13 इंच के अलॉय व्हील्स लगे हुए थे, हमारे हिसाब से वो साइज़ में थोड़े छोटे हैं, पर पुरानी गाड़ियों पे यूजुअली ऐसे ही साइज़ के अलॉयज़ आते थे। कस्टमर को गाड़ी की ओरिजिनलिटी मेंटेन रखनी थी, इसलिए वो अलॉय व्हील्स अपग्रेड नहीं करना चाहते थे, पर वही अलॉय व्हील्स रिस्टोर करना चाहते थे जो गाड़ी पर पहले से हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक पूरा देखा है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिए, हमारा इंस्टा आईडी है protomotive.hq। अभी कुछ देर में हम आपको दिखाएंगे गाड़ी के फाइनल शॉट्स और कस्टमर रिव्यू भी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तुझं नाव काय? सार्थक। तुला गाडी कशी वाटली तुझी? अच्छी लगी। इनको गाडी अच्छी लगी। हाँ। आप तो बताए नहीं है। सही। थैंक यू सर। थैंक यू। ये कितनी हो रहा है मेरी गाड़ी? नहीं एक्चुअली वो जो पेंटर मारता है वो भी उतनी खुशी से मारता है, हम लोग भी रेडी करते हैं उतने ही प्यार से रेडी करते हैं। गाड़ी प्यार से निकलनी चाहिए, गाड़ी अच्छी बननी चाहिए। तो और पुरानी गाड़ियों से ना और ज़्यादा लगाव होता है, मालूम है? वो तो है। और मैं भी बहुत इमोशनल आपके चक्कर में मैं भी रो पड़ू। वो देखो वो उधर खड़े होकर रो पड़ा उधर। हम लोग बहुत वो सेंटी हो जाते हैं बातों बातों। गाड़ी बहुत अच्छी तैयार हुई है। हम खुद जब अपनी गाड़ी पेंट किए थे ना, इतना इमोशनल हो गए थे ना। मुझे तो सही में यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी गाड़ी। थैंक्स ऑल गाइस। तो आज आपने जिस गाड़ी का वीडियो देखा है वो है ये Hyundai Accent 2006 का मॉडल है, और गाड़ी 560,000 किलोमीटर चली है, और गाड़ी बिलोंग करती है हमारे सागर भाई को।
सागर भाई का बुल्डाना में गैरेज है और बहुत सारी इस गाड़ियों से फिटिंग रिलेटेड चीज़ और गाड़ी का कुछ टेक्निकल काम जो यहाँ पर बचा था वो सागर भाई ने खुद हमारे साथ खड़े होकर काम कराया, जबकि उनका कराना बनता नहीं था, पर वो अपनी गाड़ी के लिए इतना एक्साइटेड थे कि उन्होंने बोला मेरी गाड़ी पे भी मैं यहाँ पर आप लोग के साथ काम करूँगा। सो जिनको अगर बुल्डाना में अगर कोई भी काम कराना है गाड़ी पर, आप सागर भाई से मिल सकते हैं। गैरेज के सारे काम सागर भाई करते हैं। इनके डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देंगे। बिल्कुल। और आज हम गाड़ी जब फाइनल रेडी हुई है थोड़े से हम सेंटी हो गए, सागर भाई ज्यादा और उनको देख के हम लोग भी सेंटी हो गए। गाड़ी बहुत प्यारी बनी है। सागर भाई आप क्या बोलते हो, कैसी लगी गाड़ी आपको? गाड़ी मैं मुझे पता ही नहीं चल रहा है मेरी गाड़ी है। लिटरली आप वीडियो देखो पूरा, आपको गाड़ी का कंडीशन दिखेगा, बट मेरी जान नहीं है। आज मेरी जान को मैंने आज वापस रिस्टोर किया है और परीक्षित भाई की वजह से ये सब हो पाया। ये एक पूरा टीम एफर्ट है, बहुत सारा उसमें इनका भी योगदान है, हमारी टीम का भी योगदान है। हम सब दिल से गाड़ी अच्छे से बनाना चाहते थे और गाड़ी बनाने से पहले मैंने इनको बोल दिया था कलर बहुत सुंदर है, जब रेडी होगा गाड़ी बहुत प्यारी लगेगी। ये सेम कलर हमने एसेंट पहले भी बनाई है, उसका हम वीडियो शूट नहीं कर पाए। और सागर भाई जैसा आपने सोचा था गाड़ी वैसी रेडी हुई, उसके भी परे। मैंने जो सोचा था उससे 500% ज़्यादा अच्छी हुई। मैं सबसे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात यह है कि आपको गाड़ी अच्छी लगी। देखो पैसा ना सेकेंडरी हो जाता है, गाड़ी जिस ढंग से बनाना चाहते हम अगर उस तरीके से बन गई ना, हम इसको आज इस तरीके से देख रहे हैं कि आप हुंडई के शोरूम में भी जाके हम गाड़ी खड़ी कर देना, बिल्कुल लोग मान लेंगे कि नई गाड़ी है। नई के भी परे हो गई, नई भी ऐसी नई चमकती होगी। सो बहुत मेहनत गई है गाड़ी रेडी करने के पीछे और मैं थैंक यू करना चाहूँगा आपको, आपने हमें ट्रस्ट किया। थैंक्स टू ऑल यू, ऑल ऑफ यू यार। आप इस लाइन में हो, आपने देखा है बाहर कैसा काम होता है, पूरा देखा और उसके बावजूद सागर भाई यहाँ पर आए। सागर भाई ने बोला कि गाड़ी आप ही से बनवानी है और हम लोग ने भी पूरी कोशिश की गाड़ी अच्छी बने। फाइनल शॉट्स तो आप गाड़ी के देखने ही वाले हैं आगे चल के कि गाड़ी कैसी लग रही है। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। गाड़ी का काम ऐसा हुआ है कि मैं कुछ बोल ही नहीं सक रहा हूँ। नो वर्ड्स टू से, हैट्स ऑफ। थैंक यू सो मच। और छोटा सार्थक आजा, सार्थक बोला था मैंने वीडियो में आना, आजा वीडियो में आजा। सार्थक गाड़ी कैसी लगी? अच्छी है। अच्छी लगी? हाँ। कलर सुंदर लग रहा है? हाँ। हाँ? हाँ। नई जैसी लग रही है गाड़ी? हाँ। लग रही है? हाँ। अभी तू इधर ही रुकने वाला है? नहीं। क्यों? सो थैंक यू सो मच सागर भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा, आगे मिलते रहेंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली। बहुत लोग हमसे पूछते हैं हम रिव्यू क्यों नहीं डालते हैं। एक्चुअली कस्टमर रिव्यू कभी कभी ले नहीं पाते, इतनी हड़बड़ी रहती है ना डिलीवरी के टाइम में, और कि गाड़ी देनी है देनी है देनी है, कस्टमर भी वेटिंग पे रहते हैं। और जैसे आप भी आज आ गए, हर कस्टमर टाइम से पहले आ जाता है, मेरे को गाड़ी देखनी है, गाड़ी रेडी हुई है नहीं। राज ने इनको भी पहले बोल दिया था कि आपके आने के बाद भी एक डेढ़ घंटा निकल ही जाएगा, थोड़ा थोड़ा काम चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। अभी भी अगर देखने जाएंगे इधर उधर इधर उधर कपड़ा मारते ही रहेंगे हम लोग खड़े खड़े। सो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और अगर आप बुल्डाना में रहते हैं और आप अपनी गाड़ी पे सर्विसिंग कराना चाहते हैं, मेंटेनेंस एंड रिपेयर कराना चाहते हैं, तो आप सागर भाई को विजिट कीजिए। बिल्कुल। सार्थक को भी विजिट कीजिए। और सार्थक का गैरेज का नाम क्या? हॉट व्हील्स और कैप्टन अमेरिका को भी मिलने को मिलेगा आपको। ऑटो कार्स पापा के गैरेज का। यस, तो आप जरूर आइए, बहुत जेन्युइन ओपिनियन आपको मिलेगी जी। हम लोग अपनी तरफ से रेकमेंड कर रहे हैं कि हमें भी इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सागर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
ये सब क्या बात कर रहे हो? देखो ये कंडीशन में मेरे पास आई थी गाड़ी। हे भगवान, और ये फिटिंग के टाइम ये सब। देख ये इस कंडीशन में आया था इनके पास ये खड़ी इधर बोल दी ये पीछे ये बनाने के बाद उनके कस्टमर की गाड़ी थी, काम आधा अधूरा करवाया, बोला पेमेंट में नहीं कर सकते, आप गाड़ी रखिए, आप मेरे को पैसे दे दो, आप गाड़ी रखिए। उन्होंने गाड़ी लेके फिर गाड़ी बनाई। ग्यारह साल से वही नंबर। कौन से साल की गाड़ी? ठीक है मानो। तब कितनी चली थी उस टाइम में गाड़ी? 3 लाख के आसपास। तो आपने मोटा मोटी 3 लाख चलाई? 3 लाख मायने रखता है 3 लाख किलोमीटर। सब बॉम्बे महीने में 4 बार बॉम्बे डिक्की भर के सामान लेके। पर मैं आपको पहले बनने से पहले बोला था कलर बहुत सुंदर है, और जो ये आपको एक डेप्थ दिख रही है ना, जो एक डार्क टोन मार रहा है, तो क्या होता है मालूम है? जो प्रीमियम कलर्स होते हैं ना, उनका जो ब्लैक, इसमें ब्लैक डलता है। कोई भी कलर 5 टिंटर 4 टिंटर को मिक्स करके बनता है, उनके जो कलर्स होते हैं ना उनमें डेप्थ ज़्यादा होता है। बजने वाले हैं, वीडियो शूट करते करते ऐसा लेट हो ही जाता है। तो अगली बार अगर कोई कस्टमर चाहते हैं कि हम लोग रिव्यू लें तो हमारे साथ लेट रुकना पड़ेगा। इनकी बात करें ना, हाँ कल हुआ हमारा इंटरेक्शन मलकापुर। राजिक ने पेंट किया ना गाड़ी? अच्छा, बहुत अच्छा फिनिश किया है, बहुत बढ़िया। वो रेडी हुई थी उसी टाइम लगा था, गाड़ी मस्त हुई है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, इतना आने में नो वर्ड्स टू से, बहुत बढ़िया। कैसी बदली गाड़ी? एकदम शाइन, मस्त बढ़िया। आराम से जाइएगा, ठीक है? यस। और टोइंग के लिए थोड़ा सा कम यूज कीजिएगा अभी गाड़ी। यस भाई, नाइस। थैंक यू ऑल टीम। चलो बाय बाय बाय। आज तक बोल, चल बाय बाय। नेक्स्ट टाइम आयरन मैन लेके आना। नेक्स्ट टाइम तेरा कार क्लब देखने आएंगे उधर। थैंक यू ऑल प्रोटोमोटो टीम भी बोलो। चलो वापस बोल एक बार। क्या बोला? स्क्रिप्टेड नहीं है। चल चलो, ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। चलो बाय बाय, गुड नाइट।